यह शुद्ध महाभारत एक श्रृंखला है जो कि लगातार चलती रहेगी। इसकी कहानियाँ लगातार एक दूसरे से जुड़ी होंगी और हम बड़ों से आशीर्वाद और छोटों से स्नेह स्वरूप वीडियो को लाइक और कमेंट की आशा रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत की पहली कथा। एक दिन की बात है, महाबाहु राजा दुष्यंत अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ किसी गहन वहन में जा पहुँचा। उसे पार करने पर उसे एक मनोहर आश्रम युक्त उपवन मिला। यह वन बड़ा ही सुंदर था। वहाँ के वृक्ष खिले हुए पुष्पों से लद रहे थे। दुर्वादलों से पृथ्वी हरी भरी हो रही थी। सुंदर सुंदर पक्षी मधुर स्वरों में चहक रहे थे, कहीं कोकिलों की कुहू कुहू तो कहीं भौरों की गुंजार। राजा दुष्यंत उपवन की शोभा देख ही रहा था कि उसकी दृष्टि उस मनोरम आश्रम पर पड़ी। उस आश्रम में स्थान स्थान पर अग्निहोत्र यज्ञ कुंड की ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही थी। यज्ञशाला पुष्प और जलाशयों के कारण उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी। सामने ही मालिनी नदी बह रही थी जिसका जल बड़ा ही स्वादिष्ट था। अनेकों ऋषि मुनि आसन लगाए ध्यान मग्न थे। राजा को ऐसा लगा मानो वह ब्रह्मलोक में खड़ा है। दुष्यंत के नेत्र और मन वन की छटा देखकर तृप्त नहीं हो रहे थे। इस प्रकार राजा दुष्यंत ने सब देखते सुनते कश्यप गोत्रीय कण्व ऋषि के एकांत और मनोहर आश्रम में मंत्री और पुरोहितों के साथ प्रवेश किया। दुष्यंत ने मंत्री और पुरोहितों को आश्रम के द्वार पर ही रोक दिया और स्वयं भीतर गया। वहां उस समय कण्व ऋषि उपस्थित नहीं थे। राजा ने आश्रम को सुना देखकर ऊंचे स्वर में पुकारा, यहाँ कौन है? दुष्यंत की आवाज़ सुनकर एक लक्ष्मी के समान सुंदरी कन्या तपस्विनी के वेश में आश्रम से निकली। उसने राजा दुष्यंत को देखकर सम्मानपूर्वक कहा, स्वागत है। फिर उसने आसन पर बिठाकर राजा का अतिथि सत्कार करके उसने स्वास्थ्य और कुशल के संबंध में प्रश्न किया। स्वागत सत्कार के बाद उस तपस्विनी कन्या ने तनिक मुस्कुराकर पूछा, मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजा दुष्यंत ने सर्वांग सुंदरी एवं मधुर भाषिणी कन्या की ओर देखकर कहा, मैं परम भाग्यशाली महर्षि कण्व का दर्शन करने के लिए आया हूँ। वे इस समय कहाँ हैं, कृपया करके बतलाइए। शकुंतला ने कहा, मेरे पूजनीय पिताजी फल फूल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं। आप घड़ी दो घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिए, तब उनसे मिल सकेंगे। शकुंतला की भरी जवानी और अनुपम रूप देखकर दुष्यंत ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है और किस लिए यहाँ आई हो? तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। शकुंतला ने बड़े मिठास के साथ कहा, मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। राजा ने कहा, कल्याणी, महर्षि कण्व तो अखंड ब्रह्मचारी हैं। धर्म अपने स्थान से विचलित हो सकता है परंतु वे नहीं। ऐसी दशा में तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो? शकुंतला ने कहा, राजन, एक ऋषि के पूछने पर मेरे पूजनीय पिताजी कण्व ने मेरे जन्म की कहानी सुनाई थी। इस कारण मैं अपने जन्म के विषय में जानती हूँ। जिस समय परम प्रतापी विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए मेनका नाम की अप्सरा भेजी थी। उसी के संयोग से मेरा जन्म हुआ। माँ मुझे वन में छोड़कर ही चली गई। तब शकुंतों ने सिंह व्याघ्र आदि भयानक जानवरों से मेरी रक्षा की थी, इसीलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। महर्षि कण्व ने वहां से उठाकर मुझे पाला। शरीर का जनक, प्राणों का रक्षक और अन्नदाता, यह तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। दुष्यंत ने कहा, कल्याणी, जैसा तुम कह रही हो, तुम ब्राह्मण कन्या नहीं राजकन्या हो, इसलिए तुम मेरी पत्नी बन जाओ। सुंदरी, तुम गंधर्व विधि से मुझसे विवाह कर लो। राजाओं के लिए गंधर्व विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शकुंतला ने कहा, मेरे पिताजी इस समय यहाँ नहीं है, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, वह आकर मुझे आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। दुष्यंत ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ और यह भी चाहता हूँ कि तुम मुझे स्वयं वरण कर लो। मनुष्य स्वयं ही अपना हितेशी और जिम्मेवार है, तुम धर्म के अनुसार स्वयं ही मुझे अपना दान करो। शकुंतला ने कहा, राजन, यदि आप इसे ही धर्म पद समझते हैं और मुझे स्वयं अपने आप को दान करने का अधिकार है, तो आप मेरी शर्त सुन लीजिए। आप मुझसे एक प्रतिज्ञा कीजिए, मेरे बाद मेरा और तुम्हारा पुत्र ही सम्राट होगा और मेरे जीवन काल में ही वह युवराज बन जाएगा, तो मैं आपको स्वीकार कर सकती हूँ। दुष्यंत ने बिना कुछ सोचे विचारे ही प्रतिज्ञा कर ली और गंधर्व विधि से शकुंतला से विवाह कर लिया। दुष्यंत ने उसके साथ समागम करके बारंबार यह विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें लाने के लिए चतुरंगिनी सेना भेजूंगा और शीघ्र से शीघ्र मैं तुम्हें अपने महल ले चलूंगा। इस प्रकार यह कहकर दुष्यंत अपनी राजधानी के लिए रवाना हुआ।
उसके मन में बड़ी चिंता थी कि महर्षि कण्व यह सब कुछ जानकर न जाने क्या करेंगे। थोड़ी देर बाद महर्षि कण्व आश्रम पर आ पहुंचे, परंतु शकुंतला लज्जावश उनके पास नहीं गई। त्रिकालदर्शी कण्व ने दिव्य दृष्टि से सारी बात जानकर प्रसन्नता के साथ शकुंतला से कहा, बेटी तुमने मुझसे बिना पूछे एकांत में जो काम किया है वह धर्म के विरुद्ध नहीं है। क्षत्रियों के लिए गंधर्व विवाह शास्त्र सम्मत है। दुष्यंत एक धर्मात्मा, उदार एवं सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। उसके संयोग से बड़ा बलवान पुत्र होगा और वह सारी पृथ्वी का राजा होगा। जब वह शत्रुओं पर चढ़ाई करेगा उसका रथ कभी भी नहीं रुकेगा। इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।